रिसेंटली आई एम स्टडिंग अ बुक, ठीक है? आई एम सुपर डुपर ऑब्सेस्ड, सुपर डुपर वाला ऑब्सेशन, ठीक है? सुपर डुपर वाला, लाइक मुझे वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है. ऐसे दिमाग में पूरा ना एकदम बैठ गया है. एंड द स्टोरीज बहुत अच्छी स्टोरी है, लाइक राइटर आई एम योर फैन, आई एम योर फैन. और उसके बाद भी आई स्टार्टेड के ड्रामा लवली रनर, एपिसोड 10 तक हो चुकी है. एंड इट्स सो 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 सुनजियो, इट्स सो गुड मैन, ही सो गुड. स्टैंडर्ड्स उसने यहाँ पे सेट किए. और जितने भी लड़कों को लगता है ना कि कोरियन मैन ये होते हैं, गे होते हैं, वो होते हैं, भाई जाके उनकी स्टैंडर्ड चेक कर लो, फिर यहाँ पे पटाने आना हम लोगों को. औकात में रहा अगर उनके बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलते. तो ये दोनों चीज़ चल रही है फिलहाल. ऑलवेज वॉन्टेड टू डिस्कशन अबाउट दिस. लाइक मुझे बहुत हेट्रेड आती है लोगों से कि वाई वी आर ऑल ऑब्सेस्ड ओवर के ड्रामा मैंस या फिर कोरियन मैंस, आप लोग जो भी बोल सकते हो. बट यू डोंट नो वाई, नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स मैन. लुक्स के लिए कोई नहीं मरता यहाँ पे. द एफर्ट, द एफर्ट्स, लाइक वो अपनी बंदी को अपने पास रखने के लिए ना इतना एफर्ट करते, इतना एफर्ट करते ना, इतना तो नॉर्मल इंसान भी उतना एफर्ट नहीं करता, ठीक है? उनको रिटर्न में ये सुनने को मिल रहा है वी डोंट लाइक यू, बट वो लोग अपनी एफर्ट से ना हमारा दिल जीत लेते हैं. द स्टैंडर्ड्स गोज 0 to 1000, ठीक है? इन्फिनिटी में चला जाता है वो. और इस बात से तो मेरी हर एक गर्ल्स अग्री करेगी कि वी डोंट फॉल फॉर लुक्स, वी फॉल फॉर द एफर्ट्स एंड द वर्ड ऑफ अफर्मेशन. आप कितना सच बोल रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये होती है मेंस, दिस आर द मेंस. कहाँ गए? ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस चीज़ों से, बट वी कांट अंडू देम ना. वो कुछ चीज़ें होती है एंड दे आर द कम्फर्ट लेवल, ठीक है? आई एम ऑन माई पीरियड और आज मेरा फर्स्ट डे है, एंड इतने सारे पेन में भी ना आई एम वेरी हैप्पी टूडे, बिकॉज जो मैं ड्रामा देख रही हूँ दैट इज़ सो सो ओवरवेलमिंग, और ऊपर से मैं जो स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. और एक क्या होता है, आई एम अ सिंगल पर्सन ऑब्वियस, तो मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सिटिंग ऑन योर काउच विथ अ हॉट कप ऑफ टी एंड यू आर रीडिंग सम नॉवल्स, यू आर वॉचिंग अ के ड्रामा इन योर पीरियड्स, एंड इट्स अ होलसम एंड आई एम वेरी हैप्पी टूडे. सो गर्ल्स आउट देर, बी हैप्पी. एंड एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, बींग अलोन पर्सन और अकेले रहते रहते ना, आई गॉट टू नो दिस कि वी कैन फॉल इन लव विथ एवरीथिंग. वी कैन फॉल इन लव विथ अ लिटिल माउस ऑल्सो इन योर हाउस, ठीक है? लाइक दैट इज हॉन्टिंग यू, यू आर वेटिंग फॉर दैट कि कब आप उसको पकड़ो, ठीक है? यू कैन चेज दैट. एंड मैं सारे के ड्रामा फैन से कहना चाहती हूँ, यू आर ऑन द परफेक्ट ट्रैक, ठीक है? नॉट नेसेसरी हमें वो स्टैंडर्ड वाला बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वी नो अवर स्टैंडर्ड्स, वी आर रूटिंग अवर ओपास, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत सालों से इस चीज़ में आ चुकी हूँ. आई गॉट माई सेल्फ टू लव मोर एंड मोर, एंड नाउ आई नो मुझे क्या चाहिए. आई नीड स्टैंडर्ड्स, एंड जो जिसमें मुझे स्टैंडर्ड्स दिखेगा आई विल से येस टू दैट पर्सन, तो भले वो कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो दिस इज़ द क्लियरिटी इन माई लाइफ विच आई हैव एंड आई वॉन्ट. सो जितने भी के ड्रामा फैंस हो ना बाहर, अगर आप लोगों को ना कोई कुछ भी बोल रहा है ना गर्ल्स कि कोरियन लोग, कोरियन लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको ना नहीं पता है क्या होते हैं, ठीक है? इंडियन मेंस को पता ही नहीं है कोरियन मेंस क्या है क्या नहीं है. उनको सिर्फ बोलना है कि बाबा ये गे है, ये मेकअप करते हैं, ये करते हैं, वो करते, सब नेगेटिविटी फैला के रखी है, ठीक है? ऐसे ऐसे मैं लड़के दिखा सकती हूँ ना गर्ल्स आप लोगों को कि जो के ड्रामा फैंडम में है, दे ऑल्सो लव के ड्रामा. और वो लोग बेसिकली मतलब लड़कों का एफर्ट्स आप देखना जो लोग के ड्रामा देखते हैं, तो ज़िंदगी में ना उसी को डेट करना जो के ड्रामा फ़ैन हो. ये मैं आप लोगों को बेस्ट टिप्स दे सकती हूँ. जितनी भी लड़कियाँ हो बाहर जिनको डेट करना है या जो लोग ऐसे इंटरेस्टेड हो डेटिंग वगैरह में, तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, के ड्रामा लवर को डेट करो. उसको पता होता है भाई तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ही नोज दैट थिंग. दिस आर हिंट, सोच समझ के डेट. सबसे मजे की बात पता है क्या है कि
वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड. ठीक है, हाँ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आई एम गेटिंग बिजी, आई कैंट गिव अ टाइम टू दिस और दैट, बट आउट ऑफ दैट ठीक है, ये ना एक हो गया है रहते रहते अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का मन नहीं करता. एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, कि आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी एक पर्सनल स्पेस है, नो वन इज़ एंटरिंग इट, और आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हो, टाइम दे या ना दे, लिटरली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मतलब आई एम नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन ना, तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा किसी बात का, तो इट्स ओके, लाइक हैप्पी गो लकी टाइप आई एम, तो हो जाता है वो. और हाँ, मेरे कुछ लोग बोल रहे थे कि आई वॉज मिसिंग यू, मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू टू, आप अकेले नहीं हो जो हमेशा मिस करते रहे, तो आई ऑल्सो मिस यू ऑल. ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं. एक्चुअली मैं आप लोग मुझे पागल बोल सकते हो, आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ, लाइक 24/7 80% ऑफ द टाइम लाइक खुद ही खुद को एडमायर कर रही हूँ, लाइक मैं खुद की बहुत बड़ी, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना, कभी कभी खुद ही को खुद का नज़र लग जाता है, तो वो चीज़ होते होते ना लाइक सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस, सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद ना इट्स टू डिफ़िकल्ट किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करना, लाइक मैं मेरा पर्सनल पेस गवा नहीं सकती और ना ही मैं मुझे शेयर कर सकती हूँ किसी के साथ. आई एम मैं आई डोंट नो जेंजी का ज़माना है या जो भी सीन है, आई एम अ वाइट फ्लैग राइट नाउ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति, वाइट फ्लैग राइट नाउ. रिसेंटली आई एम रूटिंग फॉर द वाइट फ्लैग, रेड फ्लैग हो, ग्रीन फ्लैग हो, येल्लो हो, आई डोंट केयर, आई एम राइट नाउ लुकिंग फॉर अ वाइट एंड आई एम वाइट पर्सन, बात खत्म, सिंपल सा.